नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। सो यूपी स्कॉलरशिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो स्टेटस जिन छात्रों का पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है, उनको बेसिकली क्या काम करना ताकि उनकी छात्रवृत्ति ना रुके और उनको पूरा पैसा मिल जाए। सो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि छात्रवृत्ति फॉर्म में इस बार करेक्शन नहीं होगा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, इस पर भी बात करेंगे। सो दोनों चीज़ें वीडियो के अंदर कवर होंगी। सो वीडियो को पूरा देखना फिर अपने सवाल करना। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कॉमेंट्स में अपने सवाल करो तो ही अच्छा होगा। सो चलिए गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए सारे लोग जो भी देख रहे हैं, और जो पहली बार वीडियो पर मतलब चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्यून और सही अपडेट्स देखने को मिलेंगी। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो बेसिकली मैंने इसी टॉपिक को क्यों चुना, क्योंकि मैंने पोल डाला था कि आपके स्टेटस में मतलब क्या शो रहा है। तो ज़्यादातर 57% लोगों का स्टेटस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं DSC के पास पेंडिंग शो हो रहा है 57% का। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक सोल्यूशन बता दूं, क्योंकि कमेंट्स में भी काफ़ी लोग सेम ही यही चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या है इसका, क्या करना होगा। सो मैं इस वीडियो में सोचा कि वही चीज़ कवर कर दूं कि आप लोगों को क्या करना है जिनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। सो चलिए चलते हैं, आप तो बताता हूँ कि क्या करना है आपको। सो बेसिकली जिनका ये चीज़ दिख रहा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये देखिए आप स्टेटस आप देख पा रहे हो कि अगर इस तरह का स्टेटस दिख रहा है आपको, सो इसमें तीन चीज़ें आपको देखने की चीज़ें हैं। मतलब देखो, कुछ लोगों का यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस और नहीं ये वाला स्टेटस पेंडिंग और यहाँ पे भी पेंडिंग, ये दो चीज़ें पेंडिंग आपकी दिख रही है, बाकी सब चीज़ें आपकी सही है। सही मतलब कैसे कि आप यहाँ पे भी पास आपको दिखा रहा है, मतलब आप यहाँ पे पास हो, आपकी अटेंडेंस भी 75 के ऊपर है, ये भी सही। तो आपकी बस एक चीज़ बची पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर जिन लोगों का ये चीज़ दिख रहा है सो उन छात्रों को बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको कोई काम आपके बस का नहीं है, मतलब आप को कुछ करना नहीं अपनी तरफ से। ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रिक्ट जो आपकी क्या बोलते हैं कमेटी है, जो DSC डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, ये उनके पास है, ये वही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि हालांकि आपके स्टेटस में कोई भी गलती नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म पूरी तरह से ओके है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या बोलते हैं होना है कि ये इस तरह से लिख के आ जाएगा। देखिए ये आप देख पा रहे हो ना कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये ग्रीन में इस तरह से लिख के आ जाएगा और ये चीज़ लिख के आना है, बस अगला स्टेप यही है। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंतजार करना है। एक दो दिन की बात है, एक दो दिन के अंदर आपका वो चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा और ये चीज़ लिख के आ जाएगी। सो बेसिकली जिनका स्टेटस ये शो हो रहा था जो पिछला मैंने दिखाया, तो उनको कुछ करना है ही नहीं। बात तो ये है कि उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें मैंने बताया ना आपको कि ये तीन चीज़ें आपकी सही हैं कि परसेंटेज यहाँ पर ठीक है, पास हो और यहाँ पर वेरीफाइड बैंक के द्वारा, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ भी सही हो गया, यहाँ भी सही, यहाँ सही, तो सारी चीज़ें सही हो गई। सो बेसिकली जिनका स्टेटस ये दिख रहा है वो लोग हैप्पी हो जाएं, खुश हो जाएं कि उनको मतलब कुछ नहीं होना है, उनका मतलब उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, उनका सब कुछ फॉर्म सही है। बाकी ये वाला स्टेटस तो मैंने कल बताया था कि ये वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा जिनका 60% कम है। और क्या बोलते हैं इनरोलमेंट रोल नंबर, ये चीज़ भी बहुत लोगों को मतलब आ रही है। सो ये भी सोचा चलो कवर कर लेता हूँ, आ गया स्टेटस सामने। तो इन लोगों को क्या करना है, आपको अपने स्कूल या कॉलेज में संपर्क करना है। एक बार कॉलेज में पता करो कोई नोटिस लगा रखी है उन्होंने या नहीं लगी, क्योंकि कोई कॉलेज में लगा रखी है कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, लास्ट ईयर का रिजल्ट और मार्कशीट की फोटोकॉपी, फॉर्म का फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें लेके जानी है कॉलेज में। तो आप एक बार कॉलेज में पता करो आपको कुछ करने को बोला गया है, नहीं बोला गया है। जिनका स्टेटस ये शो हो रहा है एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, सो ये वाले काम जरूर कर लो आप लोग, जिनको मैंने बताया कि ये स्टेटस वालों को क्या करना है। सो अब बात करते हैं करेक्शन के ऊपर की, बात कर लेते हैं कि करेक्शन का क्या सीन है, करेक्शन का क्या है, मतलब करेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने लिखा है ना कि इस बार छात्रवृत्ति फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होगा 2 से लेकर 18 तक करेक्शन विंडो ओपन करने की डेट थी, जो कि ओपन नहीं किया गया। कल मैंने मतलब कुछ लोगों से अपडेट आ रही थी करेक्शन पोर्टल खोला गया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने चेक किया तो मैक्सिमम लोगों के लिए पोर्टल जो है कि नहीं खुला है करेक्शन का। सो मुझे श्योरिटी नहीं है कि करेक्शन का पोर्टल खुला या नहीं खुला, जहां तक मुझे लग रहा है कि नहीं खोला गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार लग रहा है करेक्शन का पोर्टल ही नहीं खोला जाएगा, क्योंकि डेट ऑलरेडी बीत चुकी है करेक्शन की, अभी तक नहीं खोला गया है। अब जो लोग नए फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ ही हो सकता है कि फरवरी में आपको करेक्शन की विंडो ओपन की जाए, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नहीं ओपन कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी अब नए लोग फॉर्म भर रहे हैं तो करेक्शन विंडो ऑफ फरवरी में ही आपको ओपन होती दिखेगी। सो इस बार तो करेक्शन अभी नहीं होने वाला है। सो सारे लोगों का करेक्शन अब एक साथ फरवरी में होगा और उनको दोबारा हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, अगर करेक्शन होता है तो।
इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोला था फॉर्म में कोई गलती मत करो ताकि आपको करेक्शन करना पड़े, सारी चीज़ें सही भरो एक बार में ही ताकि आपको ये करेक्शन के झमेले में ना पड़ो। पर अब देखो वेट करो, करेक्शन का पोर्टल मेरे हिसाब से अब फरवरी में ही खोला जाएगा, अभी नहीं खोला जाएगा। अब छात्रवृत्ति आनी है, छात्रवृत्ति काफ़ी लोगों की आ रही है, सो जिनकी छात्रवृत्ति आए वो लोग बार कमेंट में जरूर बताना कि क्या आई है या नहीं आई है। और आपके अगर और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में आपका स्वागत है, वहाँ पूछो, मैं सबको जवाब देता हूँ। और चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हमेशा की तरह। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।